हाँ पूजा बताओ। चाचा असल में अरे बोलो वो क्या बात करना चाह रही थी मुझसे? चाचा मैं कैसे बताऊँ मुझे? अरे बोलो ना। आई एम सॉरी चाचा। अरे बोलोगी किस बात के लिए सॉरी बोल रही हो? प्रॉपर बात बताओ ना, ये क्या घुमा फिरा के गोल मोल कर रही हो? हुआ क्या है बताओ? तुम भी ना बहुत कमाल की औरत हो। अरे कैसे बेवकूफ बना रही हो और कितनों को बेवकूफ बना रही, कैसे कर लेती हो तुम ये सब? ये सब तो मेरा टैलेंट है। कमाल का टैलेंट है और तुम ऐसे ही अपने टैलेंट को यूज करती हो। एक दिन देखना हम लोगों के पास बहुत पैसा होगा और उस पैसे से हम लोग ना एक आइलैंड खरीदेंगे और फिर अपनी लाइफ वहीं सेट है, ठीक है ना? चाचा असल में पापा मम्मी बहुत झगड़े हो रहे थे, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने पापा की जासूसी करवाई। क्या पापा की जासूसी करवाई? क्यों? हेलो हेलो वकील साहब, अरे कैसे आप? अरे बहुत दिनों से आपसे बात हो नहीं भाई, तो सोचा आपसे बात ही कर लूँ। अरे हाँ वो माल का क्या हुआ? बहुत दिनों से कुछ पता बता ही नहीं है, माल आ ही नहीं रहा। अरे वकील साहब ये मत समझना कि मैं बैठ गया हूँ, अभी भी नज़र रखे हुए हूँ, मुझे पता आपकी कहानी कहाँ तक पहुँची है। कल के काम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कल मुझे जाना है सो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं उसकी झोली में गिर गई हूँ। अरे तुम ऐसे ही इतने हॉट हो, किसी भी एक नज़र पर देख लो ना वो ऐसे ही पागल हो जाए। तुम ये काम बहुत आसानी से कर लो, ठीक है? अरे तुम वकील को इतने दिन से बेवकूफ़ बना रही हो, बनता चला जा रहा है, है? वो बेवकूफ़ नहीं है, कमीना है। अरे वो जो भी है उसको मारो गोली। सुनो अपना फोकस रखो सिर्फ पैसे पे। मतलब मैंने अपने दोस्तों से बोला कि वो पापा का पीछा करे और मुझे उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे जिससे पापा का अफेयर है। पापा का अफेयर? जी चाचा, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि वो अफेयर बहुत पुराना है। देखो और तुम बिल्कुल बेफिक्र, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही मंडराता रहूँगा। कोई भी तुम्हारे पास आया मैं कबाब में हड्डी बन के बीच में आ जाऊँगा, चाहे वो वकील हो, राजीव हो या कोई भी। तुम सिर्फ पैसे पे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है? एक बार पैसा हाथ में आया फिर हम दोनों यहाँ से फिर। पर पापा का अफेयर उसी लड़की के साथ है। और ये तुम्हें किसने बताया? ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे दोस्तों ने दी। और ये तुम्हारे दोस्त कौन है? अच्छा मेरा एक फ्रेंड है, अमन नाम है उसका। ओके। बहुत सीधा लड़का है, वो तो ये काम कर भी नहीं रहा था, मैंने ही उसे जबरदस्ती करवाया। ठीक है काम करो, तुम मुझे उसका नंबर दो, मैं उससे बात करके क्लियर करता हूँ कि आखिर बात क्या है, ठीक है? अरे अमान कैसे हो? हाँ अरे अभी मैंने वकील साहब को कॉल किया था, वो अच्छी तरह बात कर नहीं पाए, मुझे लगा कि वो थोड़ा जल्दीबाजी में होंगे, तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। वकील साहब को कह देना कि मैं अभी उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है? अरे पांडे जी। अरे हाँ यादव जी। पांडे जी आपसे एक बात पूछती थी, उस लड़के के पीछे लगे थे कुछ, उसका कुछ खबर लगा क्या? हाँ उसके पीछे लगा हूँ और बहुत जल्दी हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है मैं लगाऊँ, तुम अपना काम करो। अच्छा देखिए ना क्या है, रहेगा तो इन्फॉर्म कीजिए। मुझे पता अपना काम कैसा होता है, कैसे करना है, और तुम बीच में दखल मत दिया करो, समझ गए ना? अपना काम किया करो अपना, और इधर उधर की बातें मत किया करो। ठीक है ठीक है, मैं उससे बात करके तुमको बताता हूँ कि आखिर बात क्या है, ठीक है? तब तक तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एकदम शांति से बैठो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब क्लियर करूँगा, ठीक है? और जितना हड़बड़ाओ मत, प्रॉपर बता दिया करो मुझे जो भी है
फट से मुझे फोन करना, ओके? हेलो, कौन बोल रहे हैं? अरे मैं वही आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ जिसने आपको अच्छी से खबर दी थी, और मुझे ये भी मालूम है कि आज आप अपने पति के पीछे गई थी और एक पॉइंट पे वो आपको गोली देके निकल लिया था। कौन है आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? अरे मैंने बोला ना कि मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ, मैं आपका भला चाहता हूँ। मैं जान सकती हूँ भला करने के पीछे आपकी वजह क्या है? देखिए मैम, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मुझे आप जैसे क्लाइंट चाहिए। इससे आपका तो फायदा हो गई और मेरी भी कंपनी चलती रहेगी, इसीलिए। तो क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ वो लड़की कौन है। देखिए अब देखने में तो वो कुछ कॉलेज की लड़की लग रही थी, शायद पढ़ाई कर रही है। आपके पास कोई पूरी जानकारी नहीं है क्या? अरे जानकारी तो पूरी है मैडम, लेकिन जानकारी के पैसे लगते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन की मैं 5,000 रुपए लूंगा, ठीक है? आप 5,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा। पूछिए आपको क्या पूछना। मुझे उस लड़की का नाम बताइए। मैडम देखिए आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया हुआ है जिसमें मेरे अकाउंट डिटेल्स हैं। आप कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? देखिए मैडम आई एम अ डिटेक्टिव, तो मैं आपको बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? तो आप पैसे सेंड करिए, मैं आपको नाम बता देता हूँ। अरे नाम तो नाम है, मैं उसकी उम्र भी आपको बता दूंगा। ठीक है मैं ट्रांसफर करती हूँ। हाँ देखिए पैसे पहुंच गए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आ गए। देखिए उस लड़की का नाम है नेहा, नेहा चतुर्वेदी, और उसकी उम्र है 22 साल। हेलो 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 अमान प्लीज एक काम कर दो, मुझे इसकी फोटो भेज दो। हाँ ठीक है अभी भेजता हूँ, अभी थोड़ा वेट कीजिए।